प्लीज मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये परफेक्शन साठी खूप वेळ द्यावा लागतो परफेक्ट नॉट तीन मिनिट साइड पार्टिंग 220 ट्वेंटी सेकंड पांच मिनिट सहा मिनिट चार मिनिट विचारू ही नको मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली जीरो नवीन फ्रूट गो फ्रूट स्नैक शुद्ध फल एका इजी स्क्वीजी पैक मध्य आता मूल फल दाबुन खाती फ्रूट गो दाबुन खा सॉरी पांढरा कुर्ता खादीचं धोतर डोक्यावर गांधी टोपीने हातात काठी एक साधी राहणी असं असलेलं हे व्यक्तिमत्व म्हणजे रतनलाल तुमच्या आमच्या सर्वांचे भाईसाहेब ज्यांना आपण आदराने भाईसाहेब असं म्हणतो दररोज पहाटे चार वाजेपासून गोशाळेतल्या गायींच्या सहवासात रमणारं असं व्यक्तिमत्व सकाळी अकरा वाजेपासून व्यावसायिक जबाबदारी सांभाळून समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतो ह्या भावनेने सामाजिक कार्यात कटाक्षाने लक्ष देणारं विशेष म्हणजे अहिंसा तीर्थ हे देशातलं अद्यवात मोडेल असं गोशाळा निर्माण करण्याचं त्यांनी घेतलेला हा ध्यास आणि असं व्यक्तिमत्व म्हणजे भाईसाहेब रतनलाल रतनलालसिंह बाफना गरीब गरजूंसाठी क्षुधाक्षांती झुणका भाकर केंद्र आणि मांगीलाल बाफना नेत्रीपिढी यासारखे अनेक उपक्रम राबवणारं असं हे व्यक्तिमत्व रतनलालसी बाफना तुमच्या आमच्या सगळ्यांचे भाईसाहेब जन्म राजस्थानमधल्या भोपालगडचा दहावीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केलं रोजगारासाठी सुवर्णनगरी योगायोगाने आपल्या जळगावमध्ये भाईसाहेब दाखल झाले सुरुवातीला लखीचंद ज्वेलर्स एकोणावीस वर्ष सतत लखीचंद ज्वेलर्स या पिढीमध्ये नोकरी केली आणि नोकरी करतच अल्पावधीत व्यवसायातील कसब त्यांनी हस्तगत केलं त्यांच्यामध्ये लपलेला उद्योजक त्यांना स्वस्त बसू देत नव्हता म्हणून एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये नोकरीला रामराम ठोकत नवे स्वप्न नव्या विचारांना सोबत घेऊन जळगाव शहरातील सुभाष चौकामधील चांदीचं नवीन असं शोरूम सुरू केलं नयनतारा शोरूम एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये लावलेलं छोटंसं रोपटं आज वटवृक्षात रूपांतरण झालं आहे चला तर मग जाणून घेऊया युगपुरुष रतनलालसिंह बाफना म्हणजे तुमच्या आमच्या सगळ्यांचे भाईसाहेब आजच्या लोकलाईव्हच्या लोकसंवादमध्ये नमस्कार लोकलाईव्हच्या लोकसंवादमध्ये आपलं पुनश्च एकदम मनपूर्वक स्वागत आज आपण लोकसंवादासाठी आमंत्रित केलेलं आहे जळगावातील सुवर्णपुरुष रतनलाल सिंग बाफना रतनलालसिंह बाफना हे व्यवसायाप्रमाणेच त्यांचं आयुष्य जे आहे ते त्यांनी तितकंच चकाकत ठेवलेलं आहे सोन्या चांदीसारखं त्यांचं आयुष्य देखील चकाकत ठेवलेलं आहे आणि सुवर्णतीर्थपासून तर अहिंसा तीर्थपर्यंत त्यांचा सगळा जो सुवर्ण प्रवास आहे तो आज आपल्याला त्यांच्याकडनं जाणून घ्यायचा आहे मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने या लोकलाईवच्या स्टुडिओमध्ये लोक या लोकलाईव्हच्या संवादमध्ये लोकसंवादमध्ये सी वाफना यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो वाफनाजी नमस्कार राजस्थानमधला जन्म आणि काही शिक्षण तिथे पूर्ण करून जळगावमध्ये रोजीरोटी नोकरीच्या निमित्ताने जळगावमध्ये आलेत आणि काही वर्ष नोकरी करून स्वतः मात्र सोन्या चांदीचा व्यवसाय सुरू केला आणि हा व्यवसाय अत्यंत उंच शिखरावरती पोचला आणि याचं काय रहस्य आहे हे आपण सुरुवातीला जाणून घेऊया की त्यांनी नोकरी कुठे केली व्यवसाय कुठे केला आणि कशा पद्धतीने तो वाढवला हे सगळंच आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया भाईसाहेब आपण सुरुवातीला नोकरी केली सोन्या चांदीच्या पेढीमध्ये नोकरी करून आपण आपला व्यवसाय सुरू केला ही कशा पद्धतीची सगळी सुरू झाली हे सगळं सुरुवातीला सांगा सुरुवात सुरुवातने प्रारंभ में घर को मेरे द्वारा कुछ सहायता मिले इस दृष्टि से घर की आर्थिक दृष्टि इतनी ज़बरदस्त नहीं थी मैंने सर्विस करने का सोचा और उन्नीस में मैं एक स्वर्ण पेढ़ी में जो जलगांव में है सर्विस करने के लिए आया सौ रुपये महीने से मेरी शुरुआत हुई पर मेरी काम करने की तमन्ना बहुत तगड़ी थी और काम बहुत कम था मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कवर करते गया तो मेरा सौ का दो हो गया दो का चार हो गया चार का आठ हो गया एकदम द्वितीय के चंद्रमा की तरह मेरा वितर बढ़ने लगा सेठ की मेरे पर बड़ी मेहरबानी रही जो मैं मांगता वो मुझे मिलता था और जो चाहते थे वो समय करता था और करते करते उन्नीस के अंदर गोल्ड कंट्रोल आ गया तो फिर तो व्यापार और भी बढ़ाने का भवन की मनस हुई और मैंने व्यापार को बहुत बढ़ाया जलगाँव में रेडीमेड व्यापार नहीं चलता था सोने के दागिने नहीं मिलते थे एक अंगूठी भी बाज़ार में नहीं मिलती थी मैंने उस चीज़ को देखा कि लोगों को आवश्यकता है रेडीमेड दिए जाने की और गारंटी से मिलना चाहिए तो गारंटी से गहने बना कर मैंने बेचने शुरू किए उसको इतनी डिमांड रही कि लोग प्राइमरी गोल्ड नहीं लेने नहीं लगे उन्होंने सब सोने के डागिना खरीदना शुरू कर दिया 500 ग्राम 700 ग्राम से मैंने शुरुआत की मैंने 20-25 किलो तक स्टॉक बढ़ा दिया तो भी मेरा सब सारा माल उस पेड़ी पर बिकता रहा इससे सेट का नफा बढ़ा मेरा पगार बढ़ा और व्यापार में कुछ ज़बरदस्त चमक आई इससे सेट बहुत पसंद थे और उस समय मुझे एक लाख बीस हज़ार रुपये वेतन था सालाना जो एक राष्ट्रपति को वेतन मिलता है उतना वेतन मेरे को मिलता था तो कहने का मतलब कि मैं बहुत पसंद था कि मैं जितना काम करता हूँ उसका मुझे मेरे को वेतन ज़्यादा मिलता है मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा करता गया करते 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 उन्नीस में नाइनटीन में फिर मैंने सोचा कि अब अपने को सर्विस नहीं करनी चाहिए कोई मतभेद नहीं था पर उनका मेरे दिल में आया कि अब, अब सर्विस कर लिए उन्नीस साल हो गए तो मैंने अपना राजीनामा दे दिया उन्होंने राजीनामा स्वीकार कर लिया उन्होंने भी सोचा कि ठीक है बीस साल हो गए सर्विस करते हुए क्या करते हैं उन्नीस सौहत्तर में 1974 में 10 मार्च को मैंने मेरा खुद का शोरूम शुरू सूरु किया शोरूम शुरू करने के बाद में वो इतना स्पीड से बढ़ा कि मेरा जैसे इस तरह से इस ये प्रवाह से मेरा व्यापार बढ़ता गया जलगाँव ही नहीं महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश गुजरात आंध्र और इधर उधर के प्रांत के लोग सोना के जेवर लेने के लिए जलगांव में आने लगे और जलगांव में उसमें मेरी एक अकेले का मेरा अकेले का शोरूम था और दूसरी दुकान में इतना शोरूम नहीं था तो उस उससे व्यापार में बहुत वृद्धि हुई जगह बढ़ती जगह मिलती गई और मैं बड़ा था गया फिर आदरणीय सुरेन्द्र जैन और दलभ के प्रयत्न से मुझे सुभाष चौक में एक अच्छी जगह मिली जहाँ मुझे व्यापार बढ़ाने का सुंदर मौका मिला उस मौके का मैंने फ़ायदा उठाया कि मैंने मैंने खूब शोरूम बड़ा बनाया और जीवन ज्यो हर साल शोरूम के अंदर मैं जगह बढ़ाता गया बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि पूरा मराठवाड़ा और इतने लोग मेरे दुकान के अंदर समाते नहीं थे इतने ग्राहक आते थे ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी तो मुझे लगा कि अब अपने को क्या करना चाहिए तो मैंने सोचा कि बाहर जाना चाहिए अपने को ताकि बाहर की जो इतनी ग्राहकी है वो उधर चली जाएगी तो यहाँ लोगों को जगह अच्छी मिलेगी तो हमारे जो कार्यकर्ता है उसमें मनोहर पाटिल इनकी इच्छा थी कि औरंगाबाद में शुरू किया जाए मैंने उनकी इच्छा को मान्य किया और औरंगाबाद में मेरा पहला शोरूम बाहर का महाराष्ट्र में शुरू हुआ औरंगाबाद के बाद में भी ग्रह की कम नहीं हुई गहराई की इतनी कितनी बढ़ती रही तो फिर उसके बाद में उन्होंने नासिक में किया नासिक के बाद नांदेड़ में किया और यहाँ का व्यापार पूर्ववत्त यहाँ के व्यापार में कोई कमी नहीं हुई और बाहर भी व्यापार बढ़ता गया इससे बहुत बड़ा उत्साह बढ़ा उत्साह बढ़ते बढ़ते एक दिमाग में आया कि जन्मभूमि मेरी राजस्थान है लेकिन कर्म भूमि मेरी खानदेश है महाराष्ट्र है तो कर्म भूमि में लोगों ने बहुत प्रेम दिया है लोग विश्वास रखा है और इस प्रेम का मोह बदला हमें इस जनता को देना चाहिए इसलिए हमने सोचा कि कोई सामाजिक काम करने चाहिए सबसे पहला कि जलगांव में कोई आदमी भूखा नहीं रहे इसलिए मैंने डॉक्टर आचार्य के पास में गया उनको मैंने बोला डॉक्टर साहब मेरी ऐसी इच्छा है कि जलगांव में एक ऐसा भोजनालय शुरू किया जाए कि जलगांव में कोई बाहर से आया हुआ या जलगांव का कोई आदमी भूखा नहीं रहे तो बोले क्या करना चाहिए आप और हम दोनों मिलकर करेंगे तो उन्होंने झुनका भाकर केंद्र जिसे सुधा शांति केंद्र कहते हैं वो स्थापित करने का हमने सोचा आज तक अट्ठाईस साल हो गए वो झुनका भाकर केंद्र यथावत चालू नहीं है बट बट कर चालू है आज ढाई हज़ार लोग वहाँ खाना पीना नाश्ता करते हैं तो ये मुझे बड़ी खुशी की बात है और उसमें कोई शिकायत नहीं है उसके बाद में मैंने समझा कि भूखे को भोजन प्यासे को पानी तो क्या किया जाए तो एक जल मंदिर हमने बस स्टैंड के पास खड़ा किया रोटरी क्लब वालों की सलाह से वो आज तक ठंडे पानी की व्यवस्था वहाँ हो रही है और अच्छी तरह चलू चालू है इतना ही नहीं फिर एक के बाद दो दूसरा जल मंदिर बनाया तीसरा जल मंदिर बनाया इसके बाद में मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए तो अपंगों को साइकिल देने का हमने सोचा तो अपंगों को साइकिल देने के अंदर जलगांव जिले के अंदर एक भी अपंग ऐसा नहीं रहा जिसके पास मेरे द्वारा बांटी गई साइकिलें ना हो 650 लोगों को अपंगों को हैंडी लोगों को साइकिलें दी गई इसके बाद में सोचा कि अब लोग उनको पढ़ाई के लिए भी सहायता करनी चाहिए तो यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी हैं नीलकंठ राव जी गायकवाड़ उनके सहयोग से उनकी मदद से उनके मार्गदर्शन से मैंने 300 स्कूलों में कपड़े पुस्तक पार्टियाँ देना शुरू किया खुद जाकर के जिला परिषद के सहयोग से उनकी व्यवस्था से बांटना शुरू किया इससे फिर मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए तो वैसे निर्धन आदमी को कुछ मदद करना मेडिकल सहायता देना विधवा बहनों को सीमेंट मशीन देना इत्यादि कार्य तो मेरे चलते ही थे पर मैंने समझा कि मेरे गुरुजी उसमें उनका निर्माण हुआ एक्सपायर हुए उसमें उनकी याद में क्या करूँ तो मैंने सोचा कि अब उनकी याद में कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें उनकी यादगार भी बनी रहे मेरा भी फायदा हो और सामने वाला का भी फायदा हो इसलिए मैंने शाकाहार को चुना कि शाकाहार का प्रचार किया जाए बाबू ऐसा लगता मुझे कि मैं एक हज़ार गाँव में गया हूँ एक हज़ार गाँवों में एक हज़ार स्कूल में और पच्चीस कॉलेज में, में मेरे लेक्चर हुए साकाहार के बारे में बच्चों को पुस्तक पाठ्य कपड़े देने से बच्चे मेरी बात का अनुकरण कर लेते थे समझ लेते थे बच्चों को मैं बड़ा प्रिय लगता था क्योंकि मैं बांटता था तो मेरी बात भी उनको लागू जल्दी होती थी तो इस तरह से खूब शिक्षण के लिए खूब प्रचार किया और करते समय फिर ये सोचा कि अब मैं ज़रा अवस्था से स्वृद्धावस्था तो की तरफ जा रहा हूँ तो अब क्या करना चाहिए तो सोचा कि एक सहाकार का प्रचार इस तरीके से रहेगा आज ठीक मैं जा रहा हूँ बाहर गाँव में बाद में इसका क्या होगा मेरे बाद में तो स्थायी रूप से एक सहाकार का म्यूजियम बनाया जाए पर म्यूजियम खाली देखने के लिए कैसे जाएंगे लोग तो एक गौशाला स्थापित की जाए तो मेरा उन्नीस में अमेरिका में गले का ऑपरेशन हुआ उस समय मैंने एक संकल्प किया मेरी वाइफ के सामने कि अगर मैं इस बीमारी से बच गया और सुखरुख हम घर को पहुंच गए तो अपन पाँच सौ गायों को बचाएंगे कत्ल गाने में जाते ही पाँच सौ गायों को बचाएंगे हुआ ऐसा कि साकार के प्रचार करने में मेरे पास साकार प्रचार की टीम थी मैं आया और वरण गाँव के पास मैं तीन सौ सात गायें मेरे साकार कार्यकर्ता ने पकड़ी तो मैंने समझा कि अंदा क्या मांगे दो आंखें काम ऐसा हो गया ये तीन सौ सात गाय मेरी घौशाला खोलने के अंदर सही सहयोगी हुई आज आपको कहते हुए बड़ा हर्ष होता है मेरे सत्ताईस सौ गाय हैं ये प्रभु की कृपा है कि जैसे जो सोचा वो होता ही गया और बढ़ता गया और साकार का प्रचार भी बढ़ता गया अब मुझे ऐसा लगता है कि व्यापार में मेरे को परमात्मा ने बहुत सहायता दी यहाँ की जनता ने बहुत प्रेम दिया और पुण्य ने पुण्य के योग से व्यापार में और सामाजिक काम में मेरी मन चाहिए सारी अपेक्षाएं पूरी हुई है अब क्या करना चाहिए तो मैंने सोचा कि व्यापार में बच्चे अब काम करने वाले हो गए सिद्धार्थ है पप्पू सेठ ये बहुत अच्छी तरह से काम संभालते हैं तो इनके ऊपर मैं जवाबदारी डालते गया अब बच्चों के भविष्य भुई, को मैं रोक नहीं सकता उनकी इच्छा को रोक नहीं सकता तो एक जलगाँव में मेरे दो शोरूम तो है ही तीसरा शोरूम और बन रहा है अभी उसके अंदर मेरी यही इच्छा है राजेश साहू कि हिंदुस्तान में ये एक ऐसा सेंटर बना दूंगा मैं कि यहाँ बॉम्बे कलकत्ता दिल्ली कहीं जाने की जरूरत नहीं है अच्छे से अच्छे राजघराने के दागिने यहाँ मिलने चाहिए अच्छा देखने के बाद में ग्रह के पाव चटे जाना चाहिए कि ये लेना ही है हमको इसके लिए हमने एक अभी एग्जीबिशन एक किया एग्जीबिशन में ऐसा ही बहुत जोर से चला एक ट्राई ली कि यहाँ के लोग खरीद सकते हैं क्या पर ये कहते हुए हर्ष होता है कि जलगाँव की बाइंग कैपेसिटी बहुत ज़ोरदार है लोगों के पास अच्छा पैसा है लोग मन से खरीदते हैं खूब ज़ोर से चला एग्जीबिशन तो मेरा ये नया शोरूम जो बन रहा है जिसका उद्घाटन दस तरह के आसपास होने की संभावना है और बहुत एक्सक्लूसिव शोरूम बनेगा और एक्सक्लूसिव डागिना मिलेंगी यहाँ पर तो ये लगता है अभी भी मुंबई पुणे के लोग यहाँ दागिना खरीदने के लिए आते हैं अब तो और उसकी प्रसिद्धि होने के बाद में लोग बहुत आएंगे और दागिना का व्यापार बहुत बढ़ेगा अब राइए तो मेरा व्यापार का हाल अब फिर सामाजिक काम में मैं क्या करूँ तो मैंने ये यहाजन है यहाँ दीप स्तंभ दीप स्तंभ ये मिले क्योंकि मेरी इच्छा थी कि दस पाँच करोड़ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट खड़ा किया जाए गौशाला के और अहिंसा तीर्थ के बाद में जलगाँव में आया हुआ आदमी उसको देखे बिना नहीं जाए तो क्या करें या ऐसा अच्छा कार्य हो तो पशुओं के लिए तो गौशाला हो गई सहाकार के लिए अहिंसा तीर्थ हो गया अब क्या करें तो परंतु संभालेगा कौन सवाल तो ये आता है क्योंकि बच्चों को व्यापार से इतनी फुर्सत मिलनी बहुत मुश्किल है तो महाजन साहब एक दिन मिले उन्होंने सारी बात बताई तो मुझे लगा कि ये योग संभाल सकता है ये योग्य है और यंग है तो ये संभाल लेगा तो जब मैं ऐसा विश्वास हो गया तब म, मैंने उनको एक करोड़ रुपए और तीन एकड़ जमीन देने का वादा किया और वो प्रोजेक्ट तीन एकड़ जमीन मैंने मेरी गौशाला के बाजू में दी है ताकि इधर इंसान की सेवा इधर जानवरों की सेवा दोनों का दोनों की सेवा का मुझे और मेरे परिवार को पीढ़ियों तक मौका मिलता रहेगा इस दृष्टि से मैंने ये काम करने का सोचा है ये मनोबल केंद्र है उनका नाम का तो उसके अंदर मेरा बच्चा ट्रस्टी है सिद्धार्थ और मैं उनको भरपूर सहायता कर रहा हूँ करने की भावना है तो वो प्रोजेक्ट आ, मेरा भविष्य का मेरे जीवन का संध्याकाल का या जीवन का अंतिम एक सामाजिक प्रोजेक्ट होगा जिसका ज, 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 जो इंडिया में फर्स्ट नंबर का होगा अंधे अपंग मूग मतिमंद इस तरह के लोगों बच्चों को शिक्षण दे करके उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी ऐसा मेरा विश्वास है तो ये इंसान की दृष्टि से ये काम किया व्यापार की दृष्टि से आपको बता दिया मैंने आपको ऐसी मेरी इच्छा है परिवार का बहुत बड़ा साथ है मैं मेरे परिवार के जो पपुसेठ और राहुल ये सिद्धार्थ राउल हैं ये बहुत अच्छी तरह काम संभाल रहे हैं मेरा विश्वास है कि मेरे व्यापार को भी ये बहुत दिन दुना और रात चुगना बढ़ाएंगे और मैं जिस तरह से सामाजिक काम पुण्य के काम कर रहा हूँ ये लोग भी उसमें उसका अनुकरण करके उस पर बढ़ते रहेंगे ऐसा विश्वास है परदेशामध्ये गळ्याचं ऑपरेशन होत असताना तुम्ही संकल्प केला की गाईंना मी वाचवेल आणि त्यांना मी सांभाळेल आणि शाकाहाराचा प्रचार प्रसार तुमचा सुरू होता हे सगळं का सुचलं शाकाहार करणं किंवा आता आपल्याला आपण वाचलो तर गायींना वाचवायचं हे असं कसं सुचलं आहे कशामुळे केलं असं आहे याचा मागचं महत्त्व काय आज समृद्धी आहे संपन्न आहे पैसा आहे उसके पीचे कुछ पुंड्य तो काम रहा है जो करताय और फिर इंटरेस्ट की बात आहे देर इज टाइम Uh, जहाँ चाह है वहाँ रहा अच्छा, no no अच्छा, है इंटरेस्ट टाइम टाइम इंटरेस्ट इंटरेस्ट नो ये की चीज है मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगता है अच्छा, मेरे सामने कोई आ जाता है ना ग्राहक एक किलो सोना देने वाला ग्राहक गए और एक मांसाहार छोड़ते साकार बनने वाला ग्राहक रही मैं पहले साकार वाले को बात करूंगा कि मुझे लगता है कि ये मेरा सही सोना है अच्छा, इससे मेरे को पुण्य बनता है ना मनुष्य का सही आहार शाकाहारी है मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं है मांसाहार मानव जाति पर कलंक है निष्पाप बेजबान बेकसूर ऐसे प्राणियों को कत्ल किया जाता है तब मानसार पैदा होता है मानसार जमीन से नहीं आता मानसार आसमान से नहीं पड़ता है जीवों की हत्या की जाती है और हत्या ये मनुष्य का धर्म नहीं है बचाना किसी प्राणी को यह हमारा काम है मारना काम नहीं है साकार स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है मानसार स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हानिकारक है पर्यावरण की दृष्टि से हानि हानिकारक है आज तक भगवान राम ने जंगल में चौदह वर्ष रहे लेकिन उन्होंने मांसाह नहीं किया सबरी के जूते बेर खा लिए लेकिन नहीं किया क्या उनको खरगोश नहीं मिलते थे क्या? चाहते तो वो खा सकते थे चाहते तो वो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में लेकिन उनको प्यार मिला सबरी के जूते बेरों में क्या बात हाँ। तो सबरी के बेर खा लिए उन्होंने जूते बेर खा लिए मांस नहीं खाया ये उदाहरण हमारे समय हमारे जो आज जिनको भगवान मानते हैं जिन जिनके मंदिर के लिए आज पूरी राजनीति खड़ी है उस मंदिर के निर्माता जिन महापुरुष का है वो खुद साकार ये उदाहरण है हमारे सामने और हम लोग अगर मांस खाते हैं तो ये जानवरों के साथ में प्राणियों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है किसी भी दृष्टि से मांसाहार उपयुक्त नहीं है और इसलिए प्राणियों की रक्षा होती है हमें पुण्य होता है अवयधान का लाभ लाभ ला, ला मिलता है पर्यावरण शुद्ध होता है और लोगों में बीमारियाँ कम होती है मैं ये नहीं कहता कि शाकाहारी को बीमार बीमारी नहीं होती है मैं कहता हूँ कि मांसाहार की अपेक्षा साकार शाकाहारियों को बीमारियाँ बहुत कम होती है मानसार गया शराब आ गया मानसार आ गया आ गया मानसार आ गया उत्तेजना आ गई मानसार हो गया झगड़े जिस देश में ज़्यादा मांसाहर है वही झगड़े की बात करते हैं दुनिया में हिंदुस्तान झगडे की बात नाही करता पाकिस्तान झगडे की बात करता <laughs> खूप चांगला <laughs> मेसेज तुम्ही आज दिला याच्यातून झगडे <laughs> की बात कोण करता तुम्ही हे सगळं जरी व्यवसायाला देखील आपण त्याच पद्धतीने वाढवलं व्यवसाय जसा वाढत गेला जळगाव सारख्या या पाच लाखाच्या वस्तीमध्ये आपण चार दुकानं ऑलरेडी आपली आहेत तीन दुकानं आपली ऑलरेडी आहेत चौथं दुकान तुम्ही सुरू करतात ही तीन दुकानं असताना पुन्हा परत चौथं दुकान याच्यामध्येच तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी करता नसता का चौथं दुकान काय करावं असं वाटत नाही ये डेल कारनेगी का लिटरेचर पढ़ा है अच्छा डेल क्या कहना है कि प्रगति की तुम बढ़ते चलो रुको मत बढ़ते चलो जिस दिन तुम रुक गए तो फिर नीचे की लाइन शुरू हो जाती है इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैंने बहुत कर लिया है जो ये सोच लगे हमने बहुत कर लिया है फिर उनकी प्रगति रुक जाती है तो अब मेरे मैं अभी आपको लगता हूँ कि मैं एट्टी फोर में हूँ पर मैं बुढ़ा आदमी नहीं हूँ यंग हूँ यंग हूँ मैं अभी भी काम करता हूँ अब बताऊ तो अगर मैं मेरी उम्र आपको नहीं बताऊँ तो आप मुझे क्या क्या कहेंगे मैं कितने साल का हूँ आप, आप मुझे कभी पैंसठ सत्तर से रुपये बता ही नहीं सकते हाँ तो जब मेरा हेल्थ अच्छा है प्रकृति शरीर साथ दे रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए फिर बच्चों को उत्साह मिलना चाहिए ना बच्चों के साथ में काम करना चाहिए आदमी के जब तक हाथ पाँव काम करते हैं तब तक उसको काम करते रहना चाहिए जिसमें हाथ पाँव काम नहीं करेंगे वो बात अलग है आज मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरी दिनचर्या अच्छी है योगासन करता हूँ प्राणायाम करता हूँ घूमने जाता हूँ गौशाला में दो घंटा काम कर देखता हूँ सब काम करता हूँ बच्चे भी संभाल रहे हैं आलसी नहीं बनना चाहिए काम करते रहना चाहिए एक्टिव अच्छा। रहना चाहिए यह नया इसलिए इसलिए कि, कि मेरे सामने एक ऐसा शोरूम खड़ा हो जो हिंदुस्तान में एक अप्रतिम मालूम पड़े कि क्या बनाया है इन्होंने अच्छा ये ये उसकी खासियत क्या क्या है उसके अंदर किस तरह की चीज़ें रहेंगी उसका आर्किटेक्चर किसने बनाया कितना फ्लोर का होगा कितने स्क्वायर फुट का होगा कैसा रहेगा वो शोरूम का भी रेस्ट होगा और अच्छे से अच्छे एक्सक्लूसिव डाकने मिलेंगे डागड़े सब तरह के होते हैं के अभी कान के झुमके हमारे बेटा ने काम के कान के झुमके बनवाए एक एक झुमका चार दो दो लाख तीन तीन लाख चार छह लाख का मैंने कहा भाई ये कैसे बिकेंगे तीन तीन लाख में तो पूरे डागिड़े हो जाते हैं तो तीन तीन बोले पापा आप देखना बोले कैसे है अब देखते हैं लोगों की चॉइस कैसी है मैंने कहा एक भी बेच के बताना उसने मुझे बोला एक भी बच्चा नहीं <laughs> एक, एक भी पिके एक नहीं बता ना एक भी बच्चा नहीं बोला सब लेके चार चार पाँच पांच लाख बिक जाते हैं जलगांव जैसी सिटी में कितने बड़े आश्चर्य की बात है लोगों की चॉइस बहुत अच्छी है तो ये हमने स्टाइल के लिए तो एग्जीबिशन बनाया जलगांव में एग्जीबिशन बनाने की क्या जरूरत है मेरे तीन सो रूम है नहीं तो बोलो रात दिन चलने वाले पर एग्जीबिशन बनाए लोगों की चॉइस देखो एक्सक्लूसिव डागेड़े रख के देखो लोग खरीदते हैं क्या तो लोगों को कुल बोला बाबा जळगाव की के बँक कॅपॅसिटी बहुत जोरदार आहे बोल बाई साहेब तुमच्या हा सगळा व्यवसायाचा एवढा सगळा व्याप आपण वाढवलेला आहे एकाचे जळगाव दोन दोनशे तीन आता चौथं शोरूम जळगाव सारख्या शहरात होणार आहेत बाहेर सुद्धा आपली शो शोरूम सगळे आहेत परिवाराची साथ कशी मिळते म्हणजे साथ चांगली आहे मुलांना कोणतंही व्यसन नाही कोई तकलीफ नाही और काम करण्याची बड़ी इच्छा उत्साह आहे और फिर मेरे उत्साह को देख करके मेरा ही तो अनुकरण करेंगे वो बेटे मेरे हैं मेरे साथ रहते हैं है। तो सिद्धार्थ ने और पप्पू ने बहुत काम किया बहुत काम किया रोज कुछ कुछ नया करते हैं वो जो काम मैं नहीं कर सका वो कर रहे हैं कंप्यूटराइज नहीं किया मैं करने की कोशिश की नहीं उन्होंने आते ही कंप्यूटराइज कर दिया पूरा मेरा व्यवसाय कम्प्यूटराइज है यहाँ से नांदेड़ में कौन आया क्या आया नासिक में कौन कर गया किससे क्या हुआ सब यहाँ से सब मालूम सबसे मालूम पड़ता है ये सारी प्रगती सिद्धार्थ की है अच्छा चोरीवणी बंद हो गई लडको रखना करना वही करता है मैं ज्यादातर जबाबदारियां उनको सौंप रहा हूं ताकि मैं सामाजिक काम ज्यादा कर सकूं अच्छे काम ज्यादा कर सकूं इसलिए भाई सब तुम्ही सांगितलं चोरिया कमी झाली म्हणजे कर्मचाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे खूप मोठ्या प्रमाणात असणार कारण एवढा सगळा व्यवसाय सांभाळायचा तुमचे परिवारातले जे 7 आठ 10 लोक असतील त्यांच्यावरती ते के अवलंबून नाही तुमचे अनेक कर्मचारी असतील ती कर्मचारी किती आहेत यह yes, सगळ्यांना आपण कशा पद्धतीने सांभाळतात त्यांच्यासाठी आपण कोणत्या प्रकारचे प्रकार योजना आहेत का काय काय कशा प्रकार तुम कर्मचारी नाता कसं आहे मैं मेरे मार्गदर्शन करते समय उनको बोलता हूँ मालक को इस तरह से काम करना चाहिए जैसे वो उस दुकान का कर्मचारी है कर्मचारी को ऐसे काम करना चाहिए जैसे वो उस दुकान का मालिक है ये दो चीजें संभाल ली सब कुछ ठीक है एवरीथिंग इज ओके आत्मीयता रहती है हम कर्मचारियों को आत्मीयता देते हैं अपना समझते हैं ऐसा नहीं है कि वो काम करते समय घड़ी देखते ही रहे टाइम देखता रहे ऐसा नहीं है रात के दस बज गए तो बज गए बारह बज गए तो बज गए कर्मचारी जब तक हम रहते रहते हैं हमारे सामने काम करते रहते हैं वो समझते हैं कि ये दुकान हमारी है हमें चलाना है उससे व्यापार बढ़ता है जो मालिक कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सकता वो व्यापार में प्रोग्रेस नहीं कर सकता किती परिवार किती कर्मचारी आहेत किती परिवार हा अपला या बाफना ज्वेलर्स वर तुम्हार है। एक हजार। कड़े एक हैं किसी कर्मचारियों परिवार हालांकि चांदी के का राजीव है चांदी का शोरूम भी है ना मेरा काम करने वाले हैं गहने बनाने वाले हैं हाँ, ये सब मिला करके एक हजार लोगों को परिवारों को हमारे इस व्यवसाय से रोजी रोटी मिलती है सुख में दुख में बीमारी में हमारी मदद करते हैं अच्छा कभी ऐसा नहीं कि वो ऐसा हो गया अब ये मेरा साथी है उनको कोई तकलीफ हो गई उनका बेचालीस लाख रुपए तो कैंसर के ऑपरेशन में और खर्च हो गया ठीक नहीं हुए अब उनको बोन ट्रांसप्लांट करना था पच्चीस लाख रुपए लगते कहां से लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे जब तो मैंने समझा क्या मैंने कहा क्या करें इसको मदद करनी चाहिए उस ये है अभी शादी हुई है दो बच्चे हो गए और बीमारी ऐसी हो गई कि बोन ट्रांसप्लेटेशन करना जरूरी हो गया टाटा में गया पच्चीस लाख बताए जुबीटर में गया बीस लाख बताए ओल्ड में तो है नहीं बीस लाख रुपये क्या करो फिर मैंने कहा कि इसको खड़ा करना जरूरी है नहीं। नहीं। नहीं मैंने पाँच लाख मैंने दिए पाँच लाख अशोक बहू को फोन किया बहू अशोक बहू को बोला इनको बचाना जरूरी है एक मिनट में उन्होंने कहा ठीक है पाँच लाख भेजता हूँ पाँच लाख मेरे मित्र मुफतरा जी मोड़ो थे मुंबई के उन्होंने दिए इसे 15 लाख की तत्काल उसको मदद की और खड़ा हो गया आपने यह सगड़ा कार्य करत असताना तुम्हाला पुरस्कार देखील भरपूर मिळाले असा कोणता महत्त्वाचा पुरस्कार आहे की त्याचा तुम्ही उल्लेख करू शकता सबसे 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 भगवान महावीर अवॉर्ड है जिसकी कीमत आज दस लाख रुपये है उसमें हम 5 लाख दी 1996 में मिला था आपको जीमललाल बजाज पुरस्कार है व्यापार के हिसाब से मिला फिर साकार पुरस्कार की बहुत कई तरह से मिला है जब ये क्या बोलते गिरना पुरस्कार मिला महाराष्ट्र पुरस्कार मिला 10 पुरस्कार मिले छोटे-मोटे अपन देखिल शाकाहारा साठी किंवा जो चांगले काम करत असेल त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील आपण देखील एक पुरस्कार सुरु आहे सरकार आतापर्यंत कोणा, -कोणा दिले आणि कशा पद्धतीचा पुरस्कार आचार्य हस्ति यांच्या अवार्ड देता हूं मैं मेरे गुरुजी के नाम का है ये पहले मैंने 11000 से सुरुवात की थी एक पुरस्कार देना हजार रुपये ये बीस साल पेली की बात है आज इस पुरस्कार को पाँच लाख रुपए अच्छा हाँ ग्यारह हज़ार से बढ़ते बढ़ते पाँच लाख कर दिया लास्ट ईयर यजेंद्र महाजन को दिया था अच्छा स्टेज का अवार्ड पाँच लाख रुपए है क्योंकि पुरस्कार कुछ अवेलेबल होना चाहिए और सामने वाले की ताकत बढ़नी चाहिए अपने या चौर वर्षा आयुष्याच रहस्य काय आणि काय संदेश तुम्ही देणार देखिए आयुष्य तो किसी के हाथ में नहीं है लेकिन मैं कोई तरह का नशा नहीं करता मैं चाय भी नहीं पीता बेसन की तो बात ही छोड़ो चाय को भी पीता नहीं हूँ पान सुपर भी खाता नहीं हूँ मेरा सादा भोजन होता है और पूर्ण मैं शाकाहारी हूँ ऐसा नहीं सकारी का प्रचार भी करता हूँ उससे ऊर्जा बढ़ती है और आयुष्य बढ़ रहा है आणि तुमच्या भविष्याचा पुढचा उद्देश्य काय आहे आता उद्देश्य यही है अच्छे से अच्छे काम हो परिवार में पुण्य और धर्म के काम होते जाए व्यापार वृद्धि होते जाईल बच्चे निर्विषयी जाई धन्यवाद खूप अतिशय चांगल्या प्रकारची माहिती रतनलालसिंह बाफना यांनी आपल्यासमोर या ठिकाणी दिली आणि एक अकराशे कर्मचाऱ्यांची संख्या असलेली सिंह बाफना ही पेढी सुवर्णपेढी आणि त्यांचा हा सुवर्ण प्रवास सुवर्णतीर्थ ते अहि अहिंसा तीर्थ हा सगळा प्रवास आपल्यासमोर आला आणि त्यांचं आयुष्य कसं कशा पद्धतीने त्यांनी त्यांचं आयुष्य व्यतीत केलेलं आहे हे देखील आपल्यासमोर आलं मी सारा दर्शकांच्या वतीने त्यांना उज्ज्वल भविष्यासाठी मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो आपण पाहतात आहात लोक लव तुमच्या मनातलं नमस्कार आई प्लीज मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाही परफेक्शन साठी खूप वेळ द्यावा लागतो परफेक्ट नॉट तीन मिनिट साइड पार्टिंग टू ट्वेंटी सेकंड पाच मिनिट सहा मिनिट चार मिनिट विचारूही नको मग फ्रूट सायटी कितने मिनटे रहेली? जीरो। नवीन फ्रूट गो फ्रूट स्नैक, शुद्ध पहर एका इजी स्क्वीजी पैक मधे आता मूल्य पहर दाबून खातील फ्रूट गो दाबून खा। सॉरी